हर गांव में एक बात की चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान के जो जो कुंभ के मेले में गए, करीब करीब 17 करोड़ लोग, उसके बाद भी स्वच्छता के विषय में उन्होंने जो मानदंड तय किए थे उसमें जरा भी नरमी नहीं आ रही। मैं कुंभ के मेले में स्वच्छता के लिए काम कर रहे सभी मेरे बहनों भाइयों को आदर पूर्वक नमन करता हूँ। स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ की सफलता की कहानी एक या दो माह की कहानी नहीं है। भारत में स्वच्छता क्रांति की ये लहर अक्टूबर 2014 से आरंभ हुई। कुंभ मेले की स्वच्छता इसी स्वच्छता जन आंदोलन का एक परिणाम है। देश के कोने कोने से आए करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए मेले में 1,22,000 शौचालयों का प्रबंध किया गया है। मेले में साफ सफाई सुनिश्चित करने का जिम्मा 18,000 सफाई कर्मचारियों और 1,500 स्वच्छाग्रहियों को सौंपा गया। मेले को स्वच्छ बनाने के लिए नई तकनीकों का भी खूब इस्तेमाल किया गया है। गार्बेज कॉम्पैक्टर्स और जीपीएस सक्षमता वाली कचरा संग्रह वाहन बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शौचालयों को जेट स्प्रे मशीनों से साफ किया जा रहा है। मेले के इस स्वच्छ स्वरूप का श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार के अद्वितीय प्रबंधन को जाता है। मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए स्वच्छता कर्मयोगियों, सुरक्षा कर्मियों, नाविकों, जिन्होंने इस संपूर्ण आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में अपनी निस्वार्थ सेवा भावना का परिचय दिया है, उन सबको सत सत नमन करता हूँ। इस सब का परिणाम है कि इस बार कुंभ से श्रद्धालु स्वच्छता का सुखद संदेश और अच्छी यादें लेकर वापस जा रहे हैं। जितना साफ सफाई इस बार देखी गई है वो इतना किसी कुंभ में नहीं देखा गया है। ये मेला स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सामने आया है। आज हमारा देश खुले में शौच से 100% मुक्त होने की कगार पर है। इस कामयाबी में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लक्ष्य अब करीब है और स्वच्छ कुंभ की ही भांति राष्ट्र अक्टूबर 2019 में बापू की 150वीं जयंती के अवसर पर उन्हें एक स्वच्छ भारत समर्पित करेगा। युगों युगों में अवसर ऐसा आता है, बूंद बूंद मिलकर सागर बन जाता है। हर दिल से, हर ओर से, मेरे भारत के हर छोर से आवाज ये ही आई है। मेरा कुंभ स्वच्छ बना है, मेरी सेवा रंग लाई है। मेरा कुंभ स्वच्छ बना है, मेरी सेवा रंग लाई है। मेरा कुंभ स्वच्छ बना है, मेरी सेवा रंग लाई है।